तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज चलते हैं मुंबई के साथ बसे एक बहुत बड़े उपनगर जिसका नाम है उल्हासनगर, और बात करेंगे उल्हासनगर के बेताज बादशाह बीबी, जिसका नाम है सुरेश पप्पू कलानी। नाम सुना होगा आपने, बहुत मशहूर हस्ती है वहाँ की। एक ज़माने में 19 केसेस पे जमानत पे चल रहे थे, जिनमें से 8 केस मर्डर के थे। मर्डर तो 30 के ज़्यादा हुए हैं उन दिनों में, लेकिन पप्पू कलानी का नाम 8 मर्डर्स में आया, जो बहुत बड़ी एक लिस्ट है उस इलाके की, जहां दो गैंग्स के बीच चली गैंग वार। कई बार ऐसे लगता था कि वो मुंबई की गैंग वार से भी ज़्यादा डेंजरस और लेथल है। इतने खून खराबा, केस कचहरी और इतनी वायलेंस उन दिनों में हुई, ख़ास तौर पे 89 से लेके 2000 तक। वो दौर था जब हर तीसरे दिन एक ग्रुप या दूसरे ग्रुप के किसी ना किसी बंदे का मर्डर होता था। कई केसेस में दूसरों के नाम आए, कई केसेस में डमी आदमी पेश किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं पिछोकड़ में जो दो वैरंग ग्रुप थे, लड़ाई करने वाले दो ग्रुप, एक गोपाल राजवानी का ग्रुप और एक पप्पू कलानी का ग्रुप, दोनों सिंधी भाई, लेकिन जब लड़ पड़े तो भाई भी भाई का नहीं रहता। फिर हुआ खून खराबा, उल्हासनगर की सड़कों पे ही नहीं बल्कि उसका खून मुंबई के 5-स्टार होटल्स में भी बहाया गया। तो कहानी सुनाते हैं आज पहला पार्ट, सेकंड पार्ट कल आपको सुनाएंगे। पहले पार्ट में हम ओवरऑल सिनेरियो वो दिखाएंगे और कल दो उन केसेस की बात करेंगे जिनकी वजह से पप्पू कलानी को सालों भर जेल में रहना पड़ा। अभी इसी साल शुरुआत में वो जेल से छूट के बाहर आए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से फ्री नहीं है, शर्तों के साथ रिहाई हुई है। अगर कोई नया पंगा हो गया तो वापस जेल जाना पड़ सकता है। लड़ाई अभी कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है, उनके फैसले आने भी बाकी हैं। बात शुरू करते हैं पप्पू कलानी। उल्हासनगर की एक कांग्रेस बैकग्राउंड की फैमिली का आदमी, जिसका अंकल जुनी चंद कलानी वहाँ उल्हासनगर की म्युनिसिपल काउंसिल का प्रेसिडेंट था। 85 में पप्पू कलानी भी एक काउंसलर इलेक्ट हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जिसको कांग्रेस पार्टी कह देते हैं, उसकी तरफ से इलेक्शन लड़ी और 4 साल तक कॉरपोरेटर रहा। 89 में जब इसके अंकल दुनी चंद कलानी उसी काउंसिल के चेयरमैन थे, तो अच्छा खासा दबदबा बना के रखा था। लेकिन ये बातें दूसरे गैंग के लोगों में, जिनमें को बहरानी भी था, गोपाल राजवानी था, उनको हजम नहीं हुई। तो पहले तो ये सब लोग साथ में थे, बाद में एक्सटॉर्शन को लेके जो कमाई की जाती थी बिजनेसमैन से, होटल वालों से पैसा इकट्ठा होता था, उसको लेके आपस में झगड़ा हुआ तो एक गैंग के दो गैंग बन गए। ये डिटेल में कहानी काल आपको सुनाएंगे, आज ओवरव्यू आपको बता देते हैं। चलते चलते बात 89 तक आ जाती है। 89 में उसी दुनी चंद कलानी का मर्डर कर दिया जाता है उल्हासनगर में ही, और वो करवाया जाता है गोपाल राजवानी और उसके साथी से। अब वहाँ से शुरू हो जाती है आपस की लड़ाई। क्या आपने सुना आज तक अंडरवर्ल्ड में
एक मर्डर के बाद 5 सालों में 22 मर्डर हो गए आपसी रंजिश के चलते हुए। तो वो पूरा किस्सा आपको बताएंगे। दुनी चंद कलानी के मर्डर के बाद बदले की कार्रवाइयां शुरू होती 1990 में, 1 साल के बाद वहाँ के एक बड़े इनके ओपोनेंट ग्रुप के आदमी घनश्याम बथेजा, उनके ऊपर अटैक होता है और 1990 में उनका कत्ल कर दिया जाता है। उसके साथ 1990 में ही एक, उसके पहले 89 में मुंबई के एक 5-स्टार होटल सन एंड साइन में एक लल्लू का मर्डर होता है जो गोपाल राजवानी का आदमी होता कि पप्पू कलानी गैंग का हाथ था। मरने वाला लल्लू, उसके साथ 2 आदमी थे, एक था मारुति जाधव और दूसरा था कृष्णा पिल्ले। अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये दोनों आदमी क्लोज थे गोपाल राजवानी के। मारुति जाधव गोपाल राजवानी का बॉडीगार्ड था और जब लल्लू का मर्डर होता है तो उस मर्डर के जो दोनों गवाह थे, जो केस चल रहा था, FIR रजिस्टर हुई, उसमें ये दोनों पप्पू यादव के खिलाफ गवाही देने वाले, पप्पू कलानी के खिलाफ गवाही देने वाले गवाह थे। लेकिन चलते चलते कृष्णा पिल्ले का मर्डर हो जाता है, वो कहानी हम आपको सुना चुके हैं पहले एपिसोड में। लेकिन मारुति यादव उल्हास नगर में अपने ऑफिस में बैठा था एक दिन 89 के ये लालू के मर्डर के कुछ महीने के बाद, तो पप्पू कलानी के कुछ लोग आते हैं और मारुति यादव का मर्डर कर देते हैं और साथ में उसका एक दोस्त कालका जी उसका नाम था, वो इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद एक और नया केस पप्पू कलानी गैंग के खिलाफ और पप्पू कलानी पर रजिस्टर हो जाता है। अब जो केस के 2 गवाह थे दोनों मर गए, लेकिन नया केस और रजिस्टर हो गया लल्लू के साथ साथ। अब 90 में घनश्याम भतीजा का मर्डर हो जाता है और उसकी पैरवाई करता है उसका छोटा भाई इंदर भतीजा, और वो केस चलता है लंबा चौड़ा। पहले तो कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती। उसी समय एक नए मुख्यमंत्री आ जाते हैं सुधाकर नायक महाराष्ट्र के, वो क्लीन इमेज के आदमी थे। पहले तो इनको कांग्रेस पार्टी का संरक्षण था पप्पू कलानी को, तो नायक साहब इस आदमी को पार्टी से निकाल देते हैं और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने को कहते हैं। तो 1990 में ही ये मर्डर दो होने के बाद पप्पू कलानी पहली बार कांग्रेस टिकट पे MLA बने। उसके बाद लगातार 20 साल से भी ज़्यादा उसी समय पे, लेकिन उसके बाद सदी बदलने के बाद भी कई बार टोटल देखा जाए तो 9 बार पप्पू कलानी महाराष्ट्र असेंबली के MLA रहे और 3 बार तो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ी और तो 9 बार जीते। कांग्रेस से निकालने के बाद 2 बार इंडिपेंडेंट MLA लड़े। उसके बाद NCP, शरद पवार तब कांग्रेस को छोड़ के अलग हो गए थे, NCP बना ली, तो ये भाई साहब NCP में चले गए, वहाँ से MLA बन गए। और अब देखिए आपराधिक रिकॉर्ड बढ़ते चला गया, एक के बाद एक के बाद एक केस, कभी जेल में कभी बेल पे, तो NCP से भी निकाले गए। उसके बाद फिर एक बार इंडिपेंडेंट जीतते हैं, लेकिन बाद में हालात बदले तो RPI रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रामदास आठवले ग्रुप जो आजकल दिल्ली में मंत्री हैं, BJP के सहयोगी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनकी पार्टी से लड़े और फिर जीत गए। आप देखिए कितना क्लाउड। और उसके बाद जब खुद ना इलेक्शन लड़ने का फैसला किया
तो उनकी पत्नी, उनका बेटा होमी कलानी, वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। बड़े साल ज्योति कलानी इनकी पत्नी, वो उल्हास नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चेयरमैन है। तो ये इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसी किस्म का जिस किस्म का डीपी यादव का उत्तर प्रदेश में, मुख्तार अंसारी का उत्तर प्रदेश में, और बड़े लोगों का अलग अलग प्रदेशों में चलता रहा, पॉलिटिशियन भी और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए। और एक जमाने में ये दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ भी थे, बाद में पप्पू कलानी इंडिपेंडेंट हो गया और गोपाल राजवानी दाऊद के साथ मिल गया, और काफ़ी समय दुबई में भी रहा। जब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, अटैक हुआ था उसके ऊपर भी, जो देसी बम होते हैं उससे गोलियां वोलियाँ चला के राजवानी को कोर्ट में ले जाया जा रहा था, ऑटो रिक्शा में बैठा के पुलिस वाले लेके जा रहे थे, तो हमला हुआ, लेकिन गोपाल राजवानी बच गया। ये वही गोपाल राजवानी है जिसका वो घर था लोखंडवाला में, जिस घर में माया डोलस का एनकाउंटर हुआ, जो एनकाउंटर एट लोखंडवाला नाम से मशहूर है। वो तो बड़े लंबे चौड़े तार हैं इस उल्हास नगर गैंग के, कई दिन लगेंगे अगर पूरी कहानी सुनाने लगे तो, लेकिन इतना वक्त ना आपके पास होता है ना हमारे पास कि एक ही केस को लेके बैठे रहें, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर सुनाएंगे। तो इस किस्म से शुरू करते करते 99 तक घनश्याम भतीजा का भाई इंदर भतीजा, वो अपने भाई की मौत के केसेस लड़ रहा था पप्पू कलानी के खिलाफ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, खतरे मोल लेके, और उसी के चलते हुए उसको पुलिस का प्रोटेक्शन भी मिला था 99 में। पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद बड़े भाई के कत्ल के 9 साल बाद इंदर भतीजा का भी मर्डर कर दिया जाता है। कमाल देखिए आप, इतनी हिम्मत कि पुलिस स्क्वाड के सामने मर्डर कर। अब उसके दूसरे फैमिली मेंबर वो केस आगे लड़ रहे हैं, वो किस्सा आपको कल बताएंगे, उनसे मेरी बात होने वाली है। अगर कल पूरी होगी तो शायद उनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपको सुना देंगे, अगर वो मान गए तो। मैंने अपने दोस्तों को कहा है उल्हास नगर में कि उनको ढूंढ के उनसे बात करवाने की कोशिश करें, हो जाएगा मुझे लगता है जो वहाँ से फीडबैक मिला। तो पप्पू कलानी जिसके बिना आज भी उल्हास नगर में कहते हैं कि पत्ता नहीं हिलता, लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता। जब तक तो आप हाकम पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती रहती है, लेकिन जब आप अपोजिशन में हो जाते हो या इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने लगती। इसी तरह पप्पू कलानी की मुश्किलें भी बढ़ी, लेकिन जो उल्हास नगर में पॉलिटिक्स पे उसने अपना होल्ड बना के रखा वो बिखरा नहीं। ये बिल्कुल उसी किस्म का था जिस किस्म का वो सही बरार में एक ज़माने में भाई ठाकुर का हुआ करता था। भाई ठाकुर कुछ भी हो, लेकिन उनका भाई हितेंद्र ठाकुर और उसका बेटा, उनको पॉलिटिक्स में कोई नहीं हिला सका आज तक। एक बार तो दोनों बाप बेटा MLA बन गए थे, एक उनकी पार्टी का तीसरा आदमी भी MLA है। अब मुझे लगता है अगर MP की इलेक्शन लड़े उस एरिया से तो वो भी जीत सकते हैं, क्योंकि अपना होल्ड बना के रखते हैं ये सब लोग। लेकिन पप्पू कलानी ऐसा साक्ष निकला जो खुद क्राइम में शामिल होते हुए भी पॉलिटिक्स में कामयाब रहा। भाई ठाकर ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ी, लेकिन नाम उसका ही चलता। इसी तरह बहुत से पॉलिटिशियन आए हिंदुस्तान में, बिहार में अनगिनत, जो जेल से बैठ के इलेक्शन लड़े और जीते, जिनमें शहाबुद्दीन
पप्पू यादव, बाद में भले बड़ी हो गए केसेस में, लेकिन कुछ केसेस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन राज नेता तो बने रहे। एमपी बन गए 5-5 बार, एमएलए बन गए 6-6 बार, और ये पूरे देश में चल रहा। महाराष्ट्र में और भी बहुत से लोग हैं जो क्रिमिनल केसेस के चलते हुए मंत्री तक बन गए, ये भी होता है। अभी ब्रजभूषण सिंह का केस आपने देखा उत्तर प्रदेश में, आज के दिन में भी 42 केसेस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेंबर पार्लियामेंट हैं। अब पहलवान औरतों का रोना धोना किसी ने नहीं सुना, FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पे होती है। अब चार्जशीट भी फाइल कर दी गई है, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये होता है आपका पॉलिटिकल क्लाउड। तो ये पॉलिटिकल क्लाउड ही क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद करता। जैसे मैंने कहा बेताज बादशाह, वो बेताज बादशाह कुछ तो अपनी दहशत, अपने कारनामों, अपनी दादागिरी से बनते हैं, तो कुछ जो सर पे ताज रखने वाली बात होती है, सर पे हाथ रखने वाली बात होती है, वो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स करते हैं। तो जो पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस है, ये बहुत बड़े लेवल पे चलता है। आम लोगों को शायद इसकी इतनी अंदरूनी जानकारी नहीं होती। तो इसी तरह पप्पू कलानी 20 साल के करीब जेल में रहा। टाडा के केसेस जब बने, ये सबके सब केसेस 87 में टाडा बन गया था, टेररिस्ट एंड एक्टिविटीज एक्ट, डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, उसके नीचे केस चले। पप्पू कलानी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया उस केस को, लेकिन हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की जो टाडा कोर्ट की जजमेंट थी कि पप्पू कलानी के ऊपर टाडा से ही केस चलेगा, CRPC का नहीं चलेगा, उस फैसले को बरकरार रखा। और जो थाना की टाडा कोर्ट है वो पूना से काम करती है, तो वहाँ पे जिस तरह भाई ठाकर के टाडा के केसेस पूना में चलते थे, उसी तरह पप्पू कलानी के टाडा के केसेस भी पूना की टाडा कोर्ट में ही चलते थे, वो चलते रहे। सजा भी 3 केसेस में उम्र कैद की सजा भी हुई पप्पू कलानी, 8 मर्डर जो केसेस उसके ऊपर रजिस्टर हुए थे, उसके अलावा 11 और केसेस हैं जो मर्डर के नहीं, एक्सटॉर्शन के हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, धमकी देने के हैं, वो सब केसेस बना के 19 केसेस में जमानत मिली हुई थी एक समय पर। उसके बाद और भी रजिस्टर हुए होंगे, वो भी देखना पड़ गया, कल जब पूरी जानकारी उल्लासनगर से आएगी तो वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये किस्से अंडरवर्ल्ड, ऐसे ही हर आदमी इतना पावरफुल नहीं बन जाता जब तक उसको पुलिस का संरक्षण ना मिले, पॉलिटिशियन का संरक्षण ना मिले। आपको याद होगा एक उल्लासनगर में रिंकू पाटिल केस हुआ था, बहुत ट्रैजिक केस था, एक छोटी सी स्कूल की विद्यार्थी को एक सरफिरे आशिक ने स्कूल में जला के मार दिया था, बहुत फिर। अब देखिए कि उस स्कूल की प्रिंसिपल उस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन में फ़ोन नहीं करती है, वो पप्पू कलानी के ऑफिस में फ़ोन करती है, हालांकि वो सरकारी स्कूल था, पप्पू कलानी को लेना देना नहीं था। लेकिन उल्लासनगर में कुछ भी हो जाता था तो पहली इन्फॉर्मेशन पप्पू कलानी को या उसके परिवार को पहुंचाई जाती थी, तो ये इनका उस इलाके में होल्ड था। और आज तक उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पर पप्पू कलानी का ही होल्ड है। पत्नी के संन्यास लेने के बाद बेटा ओमी कलानी वो म्यूनसिपल काउंसिल का कर्ता धर्ता बन गया। अब ये पूरी फैमिली, इनका एक छोटा भाई भी है, उसका भी किस्सा सुना देता हूँ।
बड़ा भाई है, छोटा भाई है, नारायण कलानी। अभी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में कहीं उनके ही एक मैनेजर ने उनके साथ 41 लाख रुपए की हेराफेरी कर ली। वो तब जब पप्पू कलानी अभी जेल में था, रिलीज नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं से लगता है कि थोड़ा सा लोगों का डर दिखला भी है, नहीं तो कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि पप्पू कलानी के भाई का 41 लाख रुपया लेके चंपत हो जाओ। और वो मैनेजर जो कई सालों से नारायण कलानी के पास काम करता, वहाँ पे एक सीमा होटल है जो नारायण कलानी का, बड़ा मशहूर होटल है, बहुत बड़ा होटल है उल्हासनगर का, उसका वो मैनेजर था। और पप्पू नारायण कलानी के जितने चेक वगैरह बैंक में जमा करवाने हैं या टैक्स वगैरह भरने हैं, वो सब वो मैनेजर किया करता था। तो इसी तरह एक चेक जीएसटी का, जनरल सेल्स टैक्स, उसका कुछ लाख का टैक्स जो भरना था, उसका चेक नारायण स्वामी ने अपने उस मैनेजर को दिया कि ये सेल टैक्स के अकाउंट में, जीएसटी के अकाउंट में जमा करवा दो। लेकिन उस शख्स ने वो चेक अपने खाते में जमा करवा लिया। नारायण कलानी को पता तब चला जब जीएसटी का फ्रेश नोटिस आ गया कि आपको पहले जो हमने डिमांड रेज की थी, आपने टैक्स नहीं भरा है, अभी आपको इतना जुर्माना लगाया जा सकता है, इतने दिनों में आप टैक्स भर दीजिए। तो नारायण कलानी का माथा ठनका कि मैंने तो ये 6-7 लाख अपने मैनेजर को दिए थे, चेक दिया था भरने के लिए, तो पैसा गया कहाँ। तो जब उसने अपने पूरे अकाउंट्स चेक किए तो पता चला कि एक साल के अंदर अंदर 41 लाख रुपए की, 41 लाख की हेराफेरी करके वो मैनेजर लापता हो गया, अभी तक नहीं मिला। तो इतने बड़े बिजनेसमैन आप अंदाज़ा लगा लिए कि 41 लाख की हेराफेरी हो गई और मालिक को कानों कान खबर नहीं, मतलब कितने करोड़ों का धंधा होगा कि उसमें से 41 लाख पता ही नहीं चला उसको कहाँ गया। खैर, ये कहीं ना कहीं इरोडिंग जो एक होती है, जो बड़े बड़ी पुरानी इमारतें हो जाती हैं तो थोड़ा खस्ता होनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज इतने साल बीत जाने के बाद मेरी उम्र और पप्पू कलानी की उम्र तकरीबन एक साल छोटा है मेरे से, 1951 का बर्थ है उसका, लेकिन आज भी इतने साल 72 ईयर्स उसकी उम्र के मुताबिक, उसमें से 20 साल से ज़्यादा जेल में निकाल लिए, अब बाकी उम्र क्या बची होगी। अब भले जमानत से एक लंबी पैरोल मिली हुई है, लेकिन जब कोई नया केस खुल गया फिर जेल में जाना पड़ेगा। तो कल आपको सुनाएंगे 2-3 बड़े केसेस की कहानी पूरी, कैसे मर्डर हुआ, कैसे प्लानिंग हुई और कैसे पप्पू कलानी की मुश्किलें बढ़ी। हालांकि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उन लोगों की हिम्मत देखिए जिन्होंने अपने घर के 2-2 भाई गवा दिए, लेकिन कानूनी लड़ाई पप्पू कलानी के खिलाफ नहीं छोड़ी, हार नहीं मानी। ये ग्रिट होती है, एक दृढ़ता होती है कि आप बेइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हो। ऐसे बहुत से केसेस हैं हिस्ट्री में जहाँ एक आदमी का जिसका मर्डर हो गया था, जिस अंडरवर्ल्ड डॉन ने उसका मर्डर किया था 40 एकड़ ज़मीन के लिए, उस आदमी ने वो 40 एकड़ ज़मीन, जिसका बहुत कम पैसा वो डॉन दे रहा था, उसको नहीं दी, लेकिन उसका मर्डर हो गया। लेकिन उसके बेटे ने वो केस लड़ा और आज 23 ईयर्स से वो केस चल रहा है, उसकी 40 की 40 एकड़ ज़मीन बिक गई है वकीलों को फीस दे दे के इस केस लड़ने के चक्कर में, पर उसके बेटे ने आज भी हार नहीं मानी है, वो केस लड़ते जा रहा है।
तो जहाँ एक तरफ दादागिरी की हद होती है, दूसरी तरफ इनके साथ टकराने का भी एक जुनून होता। तो ये दोनों पक्ष हैं अंडरवर्ल्ड के। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, इंतज़ार कीजिए कल तक, जब आपको पप्पू कलानी के कुछ कारनामे डिटेल में सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।